नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की। दोस्तों गर्मी का जो मौसम है इसमें आम तौर पर ये बीमारी बहुत फैलती है। फंगल इन्फेक्शन अधिकतर लोगों को पसीने की वजह से या ठीक से साफ सफाई न रख पाने की वजह से, विशेष तौर पर बच्चों में काफ़ी फैलता है और ये एक संक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम लोग हाथ लगा देते हैं इन्फेक्शन की जगह पर और उसी हाथ को दूसरी जगह लगाते हैं तो उस जगह भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी बीमारी के लिए आपको बहुत ही कामयाब घरेलू नुस्खे, जिनसे आप यकीन मानिए बहुत जल्द इनको ठीक कर पाएंगे और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही सब कुछ उपलब्ध है। आज आपको हम बताएंगे 4-5 बहुत बढ़िया इफेक्टिव घरेलू नुस्खे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है फंगल इन्फेक्शन पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सदस्यता लें। दोस्तों इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो रोज आप देख पाए। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है, जरूर लें इसको। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे फंगल इन्फेक्शन का, कैसे आप अपने किचन से या कहें घरेलू नुस्खों से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, वो सारे नुस्खे एक एक करके आपको बताऊंगा, कैसे उपयोग करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला जो नुस्खा है दोस्तों, सेब का सिरका। सिरका आप सभी जानते हैं हर किचन में यूज होता है, बहुत सारे खानों में सिरके का यूज होता है। तो सेब का जो सिरका होता है ये आप ले सकते हैं और इस सिरके का जो आपको उपयोग करना है, 1 कप आपको गर्म पानी में 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच, 2 चाय के चम्मच सेब का सिरका आपको मिलाना है और इसको पीना है। दोस्तों इसको सुबह यदि खाली पेट आप लेते हैं तो ये खून में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देता है। आप इसको कंटिन्यू लें कम से कम 10-15 दिन, आपकी ये जो खुजली वाली या इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है, घमोरियों की प्रॉब्लम है, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, आपको कोई अलग से इलाज नहीं करवाना होगा। दोस्तों इसके बाद नंबर आता है हल्दी का। हल्दी हमारे सभी के घरों में सभी खानों में उपयोग होती है, लेकिन अधिकतर लोग इसका उपयोग इलाज के लिए नहीं करते, जबकि पुराने लोग इसका इस्तेमाल बराबर इलाज के लिए करते थे। मसाले हैं सभी इसलिए ताकि आप कुछ रोगों से बराबर मुक्त रह सकें। तो दोस्तों हल्दी सिंपली आपको लेना है, इसको आपको पीसना है। याद रखें ये जो आपके घरों में उपयोग होती हल्दी वो नहीं, कच्ची हल्दी आती है जो कि आपको सब्जी मार्केट में मिल जाएगी, वहां से आप ले लें। कच्ची हल्दी को आपको पीसना है, पीस कर और उसको 30 मिनट के लिए अपनी जो भी इन्फेक्टेड जगह जहां पर भी आपको इन्फेक्शन हुआ है वहां पर पीस के इसको हल्का हल्का सा इसका लेप लगा दे। दोस्तों 2 या 3 दिन लगेंगे मुश्किल से मुश्किल, आपका कितना ही भारी इन्फेक्शन हो वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे लहसुन की। लहसुन आप सभी जानते हैं भरपूर उपयोग होता है भारतीय खाने में, इसका भी कमाल का ये चीज है इन्फेक्शन के लिए। लहसुन की 3-4 कलियों का आपको पेस्ट बनाना है और इन्फेक्शन वाली जगह पर आपको लगा देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेस्ट बनाकर उनको लगा देना। थोड़ी सी जलन होती है इसमें शुरुआत के लगभग 1-2 मिनट आपको जलन होगी, लेकिन दोस्तों इतना बेहतरीन नुस्खा है, यदि आपको जलन से कोई समस्या ना हो तो 2 दिन के अंदर आपका कितना ही भारी इन्फेक्शन हो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है वो जरूर इसका उपयोग करें। अब दोस्तों बात आता है दही की। दही भी हम सभी इस्तेमाल करते हैं, दही भी इसमें भी एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, यदि आप इसको भी इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाते हैं और इसको खाने में सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। दोस्तों कार्टन का उपयोग करें, क्योंकि हाथ से अगर आप दही लगाएंगे तो वही हाथ दूसरी जगह लगते हैं तो आपको इन्फेक्शन फैलने की संभावना हो जाती है, क्योंकि एक संक्रामक रोग होता है। तो आपको दही को कॉटन से लेना है और जो भी आपकी इन्फेक्टेड जगह वहां पर लगा दें और थोड़ी देर मुश्किल से 10 मिनट बाद इसको हल्के गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों इजीली आपका जो इन्फेक्शन है इजीली खत्म हो जाएगा 2-4 दिन के ही ट्रीटमेंट में। इसके बाद में दोस्तों नंबर आता है एलोवेरा। एलोवेरा सभी जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है, फेस के लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसका भी आप इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एलोवेरा का जो जेल आता है उस जेल को आपको इस्तेमाल करना है, त्वचा पर आपको रगड़ना, जैसे मसाज करते हैं इस टाइप से आपको रगड़ना है और 30 मिनट बाद उसको सिंपली वही हल्के गर्म पानी से आपको धो लेना है। ये खुजली, जलन और रेसेस, इन सबसे ये अकेला तेल आपको निजात दिला सकता है। दोस्तों इस मामले में एक चीज और बहुत रामबाण है, जैतून के पत्ते, जैतून का जो पेड़ होता है
उसके जो पत्ते होते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड चीज है, वो कामयाब चीज है इसके इलाज के लिए। जैतून के आपको 5-6 पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट बनाना है और इसे इन्फेक्शन वाली जगह पर 30 मिनट के लिए लगाना है। इसके बाद हल्के गर्म पानी से इसको धो लें, इसको रिपीट करते रहें जब तक आपका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों ये जो सारे नुस्खे हैं, सिर्फ ये सेब के छिलके को अगर छोड़ दें अपन, क्योंकि ये आपको आपकी जो ब्लड है उसमें जो आप मान के चले बैक्टीरिया ने जड़ जमा ली है उनको ये जड़ से खत्म करता है। इसका लगभग आप 15-20 दिन महीना भर बराबर इस्तेमाल करें। बाकी के जो सभी नुस्खे हैं ये 3-4 दिन में आपका इन्फेक्शन खत्म कर देते हैं। तो दोनों नुस्खों को आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो जरूर करें इसका, ये सेब के सिरके का उपयोग, ताकि आप इससे साल भर निजात पा सकें और आपको दोबारा ये समस्या रिपीट ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो डिसलाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।